आइए सुनिए गबन भाग 30। उसी दिन शव काशी लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे, उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायः सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकतुर रतन को न घरवार की सुधी थी न खाने पीने की। नित्य ही कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंद जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी, पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात ना होती। मानो यह चिंता मृत आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वे क्या करेगी, इनका व्यवहार करके क्या वे अपने जीवन को कलंकित करेगी। इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवा टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक ना खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपए जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया, मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी ना सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिला कर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं, बहूजी बाल की खाल निकाला करती थी, ये बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी अब तो मुझे यहां रहना व्यर्थ मालूम होता है, मैं सोचता हूं अब आपको लेकर घर चला जाऊं, वहां आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका अजी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा, आप कहे तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो,
मणिभूषण। जी हां, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहां रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा। हां अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं, उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही ना रहा हो जवाब दिया। वसीयत तो नहीं लिखी और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हो? मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हां हां मैं भी चाहती हूं। मणिभूषण, गांवों की आमदनी कोई 3000 साल की है यह आपको मालूम है, इतना ही उनका वार्षिक दान होता था, मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने से कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हां और क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए, मकानों का किराया कोई 200 रुपए महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। बहुत अच्छा होगा। और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से ये फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1500 पड़े होंगे, यहां तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं, मुझसे तो इस शहर में एक महीना भर ना रहा जाए, मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्य कुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नरम बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी, वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह ना था, किसी से शंका ना थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती,